वेलकम वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंक एंड ब्लॉग। आज हमारा एक स्पेशल ब्लॉग बन रहा है, ऐसा मान लीजिए पेड प्रमोशन है। भद्रापुर में एक शॉप है जिसका नाम है एस हंस डिजिटल स्टूडियो, वहाँ पे प्रिंट होती है, मग्स प्रिंट होती है, टी शर्ट प्रिंट होती है। तो आज हमने ये अपना लोगो बनाया है, लोगो क्रिएट किया है। तो हम ये मैं अपने ही टी शर्ट पे ये प्रिंट करने वाला हूँ। तो आज हम आपको प्रोसीजर दिखाते हैं कि कैसे प्रिंट होता है, कितना टाइम लगेगा इसमें, वो भी दिखाएंगे, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी इसके बारे में देता हूँ। इसे क्या करना होता है, पहले डिजाइन बनाना होता है, फिर प्रिंट करना होता है। लेकिन ये जो पेपर होता है ये खास पेपर होता है, फोटो पेपर नहीं होता है, क्योंकि जो फोटो पेपर होता है वो जो कलर होता है वो वापस नहीं छोड़ता। मतलब अगर हम उसको टी शर्ट पे प्रिंट करेंगे तो वो कलर प्रॉपर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे टाइप का प्रिंटर होता है, इसको कलर वापस देना ही पड़ता है। ये इसीलिए बनाया गया है। आपने अक्सर यूट्यूब पे देखा होता होगा कि वो आयन से करते हैं या किसी और से फोटो पेपर, तो उस पर ना जाए, हो भी सकता है उससे थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन जो क्लियर प्रिंट है वो इससे आता है। ये सब्लिमेशन पेपर होता है, अलग पेपर होता है, इसके लिए प्रिंटर भी अलग ही होता है जिसमें से सब्लिमेशन इंक निकलती है। लेकिन पहले क्या करना पड़ता है, जब हमें इसको पता है, हमें इसको टी शर्ट पे प्रिंट करना पड़ता है, तो इसको हमें उल्टा प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंटर में एक कमांड आती है या उसकी प्रॉपर्टी है जो वो उल्टा प्रिंट करती है, तो वो प्रिंटर इसी के लिए होता है, सब्लिमेशन। मैंने जो ये पेपर बनाया है ये हम टी शर्ट के आगे से भी प्रिंट करेंगे, पीछे से भी, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्या बहुत कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये जो फुल पेपर है एक साथ नहीं डाल सकते, ना आगे से ना पीछे से। तो इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, अभी आपको ये वैसे समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अभी हम प्रिंट करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा कि लिखा क्या है और कहाँ पे लगेगा ये। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको प्रिंट करने के लिए हमें हमारी जो मशीन है, आप इधर देख सकते हो हमारी मशीन है यहाँ पे, इसमें हम टी शर्ट प्रिंट करते हैं या हमारे वो की चेन्स होते हैं वो प्रिंट करते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हमें ये गर्म चाहिए, तो इसके लिए हम इसको पहले ही लगा के रखते हैं, तब तक हम इसकी कटिंग करेंगे। जब तक हम इसकी कटिंग करेंगे तब तक ये हमारा उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए, ये टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद जो फिक्स टेम्परेचर होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है, ये अलार्म देता है एक, इसमें वो बीप जैसा होता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि हमारी जो मशीन है एग्जैक्ट टेम्परेचर पे पहुंच गई है। उसके बाद हम प्रिंटिंग के लिए डाल देते हैं। तो हम इसको, हम मेन जो स्विच है इसका, यहाँ से मेन स्विच तो वैसे वहां पे है, लेकिन इसका जो मशीन का मेन स्विच है उसको हम ऑन करके रखते हैं। जब तक ये गर्म होगी तब तक हम इसकी कटिंग करेंगे, हमारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो हम ऑन कर रहे हैं यहाँ से, ये हमारा ऑन, यहाँ पे हमें दिखाता है टेम्परेचर सेट टाइम जितना भी होगा, ये अभी टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता जाएगा। और इसका टेम्परेचर 350 तक हमने रखा है, 350 जब होगा तो अपने आप एक बीप करेगा, उससे हमें पता चलता है कि ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक पहुंच गया है। तब तक हम कटिंग करते हैं। कि आपने देख लिया हमारी कटिंग हो गई है, अभी हम अपनी मशीन का वेट कर रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम इसको, हमारी जो टी शर्ट है जिससे हम प्रिंट करेंगे ये, उस पर थोड़ा सा इसको सेट करेंगे, क्योंकि हमें आगे से भी प्रिंट करनी है, पीछे से भी प्रिंट करनी है, तो हमें थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। लेकिन इसको सेट करने के लिए जहाँ पे हम टी शर्ट लगाते हैं, जो कि हमारा, अगर आप यहाँ देख पाओगे, मशीन पे टी शर्ट डालने से पहले हम थोड़े से रैंडम इसमें ये लगा लेते हैं कुछ पेज, क्योंकि इस पे निशान कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसे बस सेफ्टी के लिए है, वरना इनका कुछ ऐसे काम नहीं है। तो हमने अभी ऐसे ये पेज लगा दी है, उसके बाद हम इस पे टी शर्ट डालेंगे। ये हमारी मशीन जो है वो रेडी हो गई है, अभी मैं अपनी जो मेरे इसके लोगो है वो लगा रहा हूँ, चाहे कहीं से भी, मुझे अभी पता नहीं है मैं कहाँ पे डालूंगा, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, इंस्टा जो भी हमारा है, नीचे बंक एंड ब्लॉग डाला है। बराबर इसको मैं सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सेंटर में रहना चाहिए, फिर देखते हैं हमारा प्रिंट कैसा आता है। के बाद में इसके ऊपर ये शीट लगाता हूँ, जो कि खासकर इसीलिए होता है ताकि इससे जो है जलती नहीं, मतलब ये कितना भी टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, इससे टी शर्ट बच जाती है, बस निशान नहीं आता इससे, वरना वैसे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सेफ्टी के लिए है, तो सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद हम अपनी मशीन को घुमाते हैं, अभी 50 सेकंड हो गए, 350 सेकंड्स हो गए, मतलब टेम्परेचर जो इसका है हमने यहीं पे रखा था, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, उसके बाद इसका काउंट डाउन स्टार्ट होगा, फिर हम 40 सेकंड्स के लिए कम से कम इसको इस पे रखेंगे, मतलब इसका
टेम्परेचर जो है 40 सेकंड्स के लिए इसको हम कीप करेंगे, 40 सेकंड्स के बाद देखते हैं इसका जो हमारा रिजल्ट है कैसा होगा। तो अभी इसका काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है 555 से इसका काउंट डाउन स्टार्ट हो गया है, तो 550 तक हम रखेंगे, 40 सेकंड देंगे। तो ये 15 हो गया, अभी हम इसको निकालेंगे, इसका प्रिंट देखेंगे कैसा आया है। उम्मीद करते हैं अच्छा आया हो। इसको हम उठाते हैं, अभी देखते हैं इसका प्रिंट कैसा आया है। तो हमें काफी बढ़िया प्रिंट आया है इसका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका काफी अच्छा प्रिंट आया है, और अगर आपको भी, आप भी अगर ब्लॉगर हो कुछ भी ऐड करना है आपको अपने टी शर्ट पे, फोटो, कोई फोटो प्रिंट करता है, नाम लिखता है, या मग, हमारे पास मग प्रिंटिंग का भी है, मग प्रिंटिंग का भी हमारे पास, आपको मग पे कुछ प्रिंट करवाना हो, फोटो करवानी हो, तो कुछ भी आप यहाँ आ सकते हो। भद्रागुण में एसखंस डिजिटल स्टूडियो है, इसका एक डिजिटल स्टूडियो है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, फिर देखते हैं ये पीछे से कैसे लगती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, ये नहीं, ये प्रिंटिंग, और अगर आपको प्रिंटिंग पसंद आई हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, एसखंस डिजिटल स्टूडियो भद्रागुण, चाय एंड चिल के साइड में है ये, आपको बंक एंड ब्लॉग की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। आप आइए एक बार विजिट कीजिए, अपना बनवाइए, अगर आप ब्लॉगर हो तो आप बना सकते हो, ये एक एड की तरह होता है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, कीप सपोर्टिंग।